आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत महंगाई हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ कुजाक स्टेडियम लाहौर मेट्रो स्टेशन से। यहाँ से मैं जाऊँगा कर्तव्य चौक। दोस्तों इस वक्त मैं कर्तव्य चौक हूँ, ये ट्रैफिक कसूर की तरफ से आ रही है। The next day. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं बागे जिना में। इस वक्त सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आज 18 फरवरी 2023 ईस्वी। आज थोड़ी स्मोग है, ये जो आपको टिंडे नज़र आ रहे हैं इनके अंदर से रुई निकलेगी और यहाँ नीचे रुई रुई हो जाएगी। आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत महंगाई हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अभी हम टेबल टेनिस और स्केट बोर्ड ट्रेनिंग ग्राउंड के पास पहुंचने वाले हैं। आपको दिखाते हैं वहां पर क्या क्या काम हुआ है और आज क्या काम हो रहा है। और ऐसे लग रहा है जैसे धुआं निकल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे धुआं निकल रहा है? अगर धूप तेज होती तो हमें यहाँ पर कौसे कजा भी देखने को मिलती। कौसे कजा सात रंगी अभी, क्योंकि तो यहाँ काम बड़ी तेजी से जा रही है जी। हाँ जी, ये है जी वेदर रॉकेट। इस वक्त आप देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, ये वेदर रॉकेट है। यहाँ पर कंक्रीट हो रही है इस वक्त और फार्नर ही इस पे काम कर रहे हैं। इन सारी उनकी अपनी टीम है, इसमें काफ़ी मेहनत से वो काम कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। वक्त 9:30 हो गए, हमने तकरीबन 2 घंटे टेबल टेनिस खेली है, काफ़ी मज़ा आया है। आज आकिब हसन इन्होंने भी खेला है, तो कैसा लगा आकिब भाई आपको खेल के? मैंने पहली दफ़ा खेली है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया पहली दफ़ा खेलने का। मज़ा आया आपको? बहुत बहुत। अच्छा, तो मेरे साथ बैदुल्ला भी हैं, तुम भी बता दो भाई, नीचे बैठ के बता दे, नीचे बैठ के बता दे कैसी लगी। तो अंदर नहीं आना था, मजा आया। तो आपकी वीडियो बन रही है? अच्छा, कोई नहीं, बस कोई मसला नहीं। ये देखें जी, चमगादड़ यहाँ पर लटके हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तानी कौम आजकल के हुक्मरानों के आगे इस तरह लटकी हुई है। पाकिस्तान की मईशत IMF के आगे लटकी हुई है और पाकिस्तान अमरीका के आगे भी ऐसे ही लटका हुआ है 75 सालों से। तो जैतून का पहले तो जिक्र कुरान पाक में भी आया है। हाँ, वतूरी सीनीना वहाज़ल बलद अमीन। तो इस जैतून के अल्लाह तआला ने कसम खाई है। जैतून का अचार और मुरब्बा, ये दोनों चीजें पाकिस्तान में तो खसूसी तौर पर बड़ी मशहूर हैं। अच्छा, तो
वो भी मुफीद है जी, जोड़ों के दर्द के लिए, टांगों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। यानी जैतून का जो दरख्त है पूरे का पूरा ही काबिल इस्तेमाल है, उसका फल भी, उसकी शाखें भी, उसकी जड़ें जो है उसकी जड़ें भी दवाइयाँ बनती हैं, उसकी जो शाखें उससे मिसवाक बनती है, और इसी तरह वो लकड़ी भी यानी कि बड़ी कीमती है। और जैतून का तेल कितना मुफीद है, आप जैसे बता रहे थे कि जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा फायदेमंद है, तो बड़ा ही यानी कि ये शजरा मुबारक है कुरान पाक में इसको कि ये बड़ा ही यानी कि मुबारक दरख्त है। और जब कहीं वबा फैल जाती है ना तो जैतून के पत्ते जो होते हैं, जैतून के दरख्त के पत्ते, उनको खुश करके, उनको जला के उसका धुआं यानी वबा से बचने के लिए अपने घरों में यानी जरासीम, जरासीम खुश होता है उसका, यानी जैतून का धुआं भी जरासीम खुश है। तो ये थोड़ा सा धुआं पार्लियामेंट को भी दे ताकि वहाँ से भी जरासीम खत्म हो, वो जरासीम जो अवाम के अंदर हुक्मरानों की शक्ल में है, तो उन जरासीमों को ख़त्म करने के लिए जैतून की हमें धुनी देनी चाहिए पार्लियामेंट हाउस में, सेनेट में, अदालतों में, ये बड़े बड़े जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके दफ्तरों में, इसी तरह ये पंजाब असम्बली है माल रोड। चलो मशवरा तो आपने दे दिया अच्छा, लेकिन अब एक मसला और है। हाँ। मेरी बाजू थक गई है। अच्छा, ये इतनी देर से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। हाँ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक यूट्यूबर ऐसे मशहूर हुआ था कि जिसकी ना बाजू थक जाती थी व्लॉगिंग करते हुए, तो लोगों ने उसको कहा यार तू गिम्बल क्यों नहीं ले लेता, वो कहता यार गिम्बल तो बड़ी महंगी होती है, मैंने नहीं वो लेनी। अच्छा। तो वो ऐसे ही व्लॉगिंग करता रहा, उसकी बाजू थक जाती थी बार बार, तो उसने उसका हल ये लिया कि एक मजबूत सी लकड़ी ली। हाँ। उसको बाजू पे बांध दिया। अच्छा। ताकि बाजू को सपोर्ट मिलती रहे। सही सही। तो उसने क्या किया, अब व्लॉगिंग तो उसकी ठीक हो जा रही है, कुछ दिनों तक उसने बांधे रखी। हाँ। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसकी बाजू वही रख उसी तरह फिक्स हो गई, यानी कि वो अब उस मूवमेंट खत्म हो गई, मूवमेंट उसकी खत्म हो गई। अच्छा। उनके हवाले से जो आपके अमली तजर्बात हैं, फवायद हैं, नतायज हैं, इसके जो फ़ायदे आपने देखे हैं, तो वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। स्टेप पे पाँव रख के फिर नीचे आना है, गो। तो चैलेंज जो है ना वो